हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो गेमिंग ब्लॉग पर। तो गाइस कैसे सभी लोग, आई होप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस आज हम आए थे यहाँ पर, पहले मैंने नहाया धोया, फिर वहाँ पर मंदिर में जाने का मन था, लेकिन फिर वहाँ से निकले हम लोगों ने रूम के बारे में पता करा तो रूम अच्छा खासा हम लोगों को तालाब के बगल में ही 800 रुपए में मिल चुका था। तो हम लोगों ने सोचा कि उतने टाइम दर्शन करने नहीं जाएंगे, तो फिर उसके बाद मन किया कि शाम को 5 बजे दर्शन करने का। तो हम लोगों ने रूम आए 1 बजे रूम पर आए थे, फिर खाना पीना खाया, फिर बाद में सोचा कि बाद में 5 बजे, अभी 5 बज चुका है, 5:30 बजने वाला हो, तो 5 बज गया। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं भाई, टी शर्ट पैंट पहन के, जूता नहीं पहनेंगे, यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे, फिर दर्शन करेंगे जाके। शायद फोन नहीं ले जाने दिया जा रहा है अंदर, शायद क्या नहीं लेने जा, हमने एक दो लोगों से पता करा फोन अंदर नहीं लेने दिया जा रहा है। जहां तक कैप्चर हो पाएगा, जितना हो पाएगा वो सब दिखाने वाला हूँ, सब दिखा दूंगा। और बाकी हम चलते हैं थोड़ी देर में, आकाश भी रेडी हो गया हमारा और हम भी रेडी हो चुके, बस यहाँ से निकलते हैं, दर्शन लेते हैं, जगन्नाथ पुरी के, मजा आने वाली है। चलो चली गई है और अभी अच्छा लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा नहीं। तो गाइस फिलहाल मंदिर दिख चुका है और इसमें ज्यादा पास आ रहे हैं क्या, दूर कर दें, ये मंदिर काफी अच्छा है, बहुत सुंदर है दूर से, और पास में कितना अच्छा होगा, पास से तो और सुंदर होगा। तो गाइस यहाँ पर है, तो यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से बाद आगे फोन नहीं ले जा सकते, जूते भी नहीं पहन सकते, फोन यहीं पर जमा करना पड़ेगा, पैसे में जमा भी होता है, फ्री में भी होता है, लेकिन फ्री में रिस्क है, पैसे जमा देंगे, जमा करेंगे टोकन मिलेगा, तो फोन जमा करते थे। आपसे मिलते हैं मंदिर से होने के बाद, बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस फिलहाल मंदिर से बाहर आ चुके हैं, जस्ट अभी आए हुए, इतनी तेज प्यास लगी थी, इतनी तेज, अब बाहर आकर पानी पिया है। आकाश भाई से पूछता कैसा लगा, बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही लाजवाब, जरूर आओ यहाँ पर, बहुत बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। आकाश भाई कैसा था मंदिर? बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया यार, क्या दर्शन थे, क्या मजा था। और यहाँ की हमें सबसे अच्छी चीज ये लगी कि साफ सफाई बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ी, ऐसा लगा जैसे इंदौर शहर में। अरे इंदौर हम गए नहीं है, हमने पढ़ा जरूर है कि वहाँ लगातार 7वीं बार वो नंबर 1 पे आया सफाई के मामले में, लाजवाब मंदिर, एक नंबर, मजा आ गया, बहुत ही अच्छी जगह है। उसकी एडिटिंग मंदिर की, क्या मंदिर की एडिटिंग है, पत्थर से पूरा मंदिर इतना ऊंचा, अभी देखना व्यू दिखाता हूँ मैं किनारे से, बहुत अच्छा है, आप भी देखोगे दिल खुश हो जाओगे। और फोन ऑन जमा हो चुका था, फोन अंदर अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, और साइड से वीडियो जो बना रहा है, साइड से वीडियो बना रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह है। ये सब यहाँ से एंटर करा जाता है, पीछे दिख रहा है, यहीं से एंटर करने वाली जगह है, मस्त जगह है भाई, मस्त जगह है, एक नंबर, विजिट करो मजा आएगी।
बाद और मम्मी और दीदी के लिए कलर ले ले रहे हैं, मस्त कलर है लाल एकदम। हाँ सिंदूर ही है यार, दीदी के लिए हो जाएगा ना गाज भाई, मम्मी के लिए हो जाएगा, मस्त है। देख रहे हो गाइस इतनी माला ले रहे हैं हम लोग, ये वाली 15 और ये वाली कितनी ले रहा है, ये 25 ये 15, देख रहे हो गिनती चल रही है यहाँ पर। चल भाई देख रहे हो, सोना ही सोना धरा है यहाँ, ये देखो सोना माला, देखो एक से एक माला है। दुकान बढ़ाने का समय होती है, लगाने का समय, लगाने का समय दर्शन अभी होता है ना, होता है भाई अपने हमारे यहाँ, ये समय लगाने का होता है, लगा रहे हैं यहाँ पर गाइस। टाइम से हमें लग रहा है दुकानें लगती है, देखो पुलिस वाला आया ये और सारे ने दुकान हटा दी, सबने इसी समेटी दुकानें, इसी समेटी जैसे आदमी काफी यार। सही टाइम पे आप लोगों ने सामान खरीद लिया गाइस, सही टाइम पे बड़ी मुश्किल से, वो पूरे ऑफिस में काम करता हूं, बड़ी मुश्किल में कोई हेलमेट लगाए दिखा, वरना कोई हेलमेट ही नहीं लगाता यहाँ, देखो तो सब देखो ये, अरे ये लगाए हैं। मंदिर तो आपको बताया हुई आए थे, काफ़ी मज़ा आया था, शाम का भी व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग, मंदिर इतना प्यारा दिख रहा है बाहर से, इतना प्यारा दिख रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर आराम से बैठे हैं। टाइम बताएं आपको 8:33 हो चुका है, 8:30 हो चुका है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल 1% भी मन नहीं कर रहा कि यहाँ से, तो यहाँ जाओ भाई, तुम्हारा मन हो रहा है? नहीं मेरा मन नहीं हो रहा भाई, का मन नहीं हो रहा यहाँ जाए, क्योंकि मंदिर की बात ही अलग होती है, जगन्नाथ मंदिर अंदर जितना जब आप खूबसूरत गाइस मज़ा आ गया, जब उनके दर्शन हुए तो दिल एकदम शांत, वहीं पर आज थोड़ी देर बैठे भी रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा, और भोग भी मिलता है वहाँ पर चावल, और यहाँ की भाषा तो बहुत अजीब है यार, उड़िया उड़िया धीरे कोई बोलता ही नहीं है, मतलब इतनी तेज बोलता है कि डर जाए आदमी। लेकिन ऐसा है जैसे कोई बाहर से आता है उनसे कायदे में बात करते हैं, लेकिन आपस के लैंग्वेज में ऐसे बात करते हैं जैसे कि अभी एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, हर एक कोई प्यार से बात करता है, मतलब जो चिल्लाने की बात बताए, ऐसा नहीं है कि हर कोई चिल्लाए, लेकिन कोई बहुत अच्छी बात है, चाहे वो ऑटो वाला हो चाहे वो दुकान वाला हो, जिससे बात करोगे एक नंबर, बहुत अच्छे से बात करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि ये लो हाथ पकड़ कर ले जा रहे भाई यहाँ पर चलो, यहाँ पर इतना फोर्स नहीं है, जो लेना लो जहाँ बैठना बैठो कोई दिक्कत नहीं, यही सबसे अच्छा होता है, हर जगह ऐसा होता है कि आओ भैया मेरे यहाँ से ले लो, नहीं नहीं ले लो 50 का ले लो, 25 का ले लो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, फोर्स नहीं जाता है, लेने मानो से लो वरना मत, सबसे अच्छी चीज़ ये। और सफाई के मामले में अगर एक थोड़ा सा भी कचरा होगा ना तो उसको झाड़ झूर के बिल्कुल ले जाने, कितने तो सफाई कर्मी टहल रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया साफ करते रहते हैं, बहुत सफाई है यहाँ पर, ज़्यादा गंदगी भी नहीं है, मंदिर तो अच्छे दिख रहा है आप लोगों को, मंदिर बहुत अच्छा है, दिल खुश हो गया, विजिट करने लायक जगह, विजिट बहुत बढ़िया, आओ जरूर आओ। और ये वाला ब्लॉग काफ़ी छोटा रहेगा, ये वाला ब्लॉग है जो रूम से निकल कर केवल मंदिर तक का रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, वो छोटा केवल मंदिर मंदिर का ब्लॉग रहेगा, तो अभी हम जाएंगे रूम पर, ब्लॉग हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, कैसा लगा मंदिर कमेंट बता देना, जय सब लोग जय जगन्नाथ मंदिर लिख देना, काफ़ी अच्छा मंदिर था, ये वाला हम लोग ब्लॉग यहीं पर खत्म करेंगे, बाय।